गुड मॉर्निंग बच्चों, काफी प्रोडक्ट्स वाला टॉपिक पढ़ रहे हैं। आपको मैंने कैन पूरा हो गया है, कुड हो गया है, मे हो गया, माइट हो गया बच्चों। तो ये मॉडल्स मैं आपको पढ़ा चुका हूँ और आज हम आपके लिए एक नया मॉडल लेकर आएंगे। वो रहेगा नेक्स्ट मॉडल, रहेगा सेल और विल की बात करेंगे और मस्ट की बात करेंगे बच्चों। तो एक थोड़ा सा और ऐड कीजिए, कल हमने मे मॉडल जो पढ़ा था बच्चों, जो मे मॉडल पढ़ा था उस मॉडल में आप थोड़ा सा एक रूल और नोट कर लें। उस मॉडल में रूल्स ये थोड़ा रह गया था, क्या है कि यदि ये कह रहा है इसमें वेस वेस है, डिजायर है, विश डिजायर, कर्स एंड ब्लेसिंग वाले वाक्यों में। देखो ये एक रूल रह गया है अपना, वाले वाक्यों में आपकी यदि कोई इच्छा व्यक्त की जाए, डिजायर विश कामना अभिशाप की बात की जाए, ब्लेसिंग आशीर्वाद की बात की जाए, तो ऐसे वाक्य में मॉडल का यूज होता है बच्चों। जैसे आपने पढ़ा, हम बात करेंगे मैं ही लिव लॉन्ग, उनकी आयु दीर्घायु हो, तो इसमें क्या है बच्चों, विश इच्छा व्यक्त की गई है। और जैसे अपन सेकेंड टॉपिक की बात करें, किसी ने कहा मे यू गो टू हेल, आप नरक में जाए, ये करस की बात की गई है, करस यानी अभिशाप। नेक्स्ट तीन नंबर में अपन बात करेंगे, जैसे ये कह दिया जाए मैं ही पास द बोर्ड एग्जाम, मैं ही पास दे बोर्ड एग्जाम, कि वो बोर्ड की परीक्षा पास करे, ये एक ब्लेसिंग की बात कर रहा है बच्चों, आशीर्वाद दिया गया है, तो आप इसको अच्छे से देखें। तो ये एक और यूज है, ये आपने पढ़ा था ना, आपने पैसिव वॉइस में भी ये टॉपिक पढ़ा, आपने डायरेक्ट नरेशन में भी पढ़ा था, वो ही टॉपिक इसमें है। तो देखो मे का यूज आप शुरू में कर रहे हैं, ध्यान दे, आपको सेंटेंस पढ़ना होगा और सेंटेंस पढ़कर आपको आइडिया लगाना होगा कि इसमें विश है, करस है या ब्लेसिंग है। एक आपको मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ऐसे वाक्यों में ये इंटरजेक्शन मार्क का भी यूज होगा। ऐसे वाक्य जो इंटरजेक्शन मार्क वाले आते हैं लास्ट में, तो आप समझ लेना ऐसे वाक्यों में विश, डिजायर, ब्लेसिंग या करस का भाव दिया गया है। ओके बच्चों, अब हम नेक्स्ट टॉपिक में हम बात करेंगे। अगला जो टॉपिक है नेक्स्ट टॉपिक में, देखो अगले टॉपिक की बात करेंगे अपन, सैलरी बिल की बात करें। अगले टॉपिक में हम बात करेंगे सैलरी बिल की। सैलरी बिल की बात करें, देखो बच्चों ये जो सैलरी बिल जो मॉडल है ये फ्यूचर सिंपल की हेल्पिंग वर्ब भी मानी गई है, और जनरली जब आप इसको फ्यूचर टेंस में यूज करते हैं, तो आपने ये पढ़ा था कि आई और वी के साथ सेल का यूज किया जाता है, और अदर जो सब्जेक्ट हैं उनके साथ विल का यूज किया जाता है। ये जनरली फ्यूचर टेंस में ऐसा होता है, लेकिन बच्चों इसको ध्यान से पढ़ो, आप इन दोनों को एक साथ भी पढ़ सकते हो, कैसे मॉडल के रूप में इनका यूज कैसे होता है ये ध्यान से पढ़े आप, तो इसका ये रूल तैयार कर ले आप। जैसे आप ये कहेंगे मैं फर्स्ट रूल की बात करूं, जैसे ये कह दिया, जैसे मैं ये कहूं यदि यदि दिए गए वाक्य में, यदि दिए गए वाक्य में निम्न भाव, दिए गए वाक्य में निम्न भाव व्यक्त होता है, यदि दिए गए वाक्य में
निम्न भाव व्यक्त होता है तो आईवी सब्जेक्ट आईवी सब्जेक्ट के साथ विल तथा अदर सब्जेक्ट्स के साथ सेल मॉडल का यूज किया जाता है। देखो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं बच्चों, अब मॉडल में इनका यूज क्या करेंगे, इनमें मॉडल में आप यूज करेंगे तो आई और वी सब्जेक्ट के साथ हमें विल लगाना पड़ेगा और अदर सब्जेक्ट के साथ हमें सेल लगाना पड़ेगा। कहने का मतलब ये बच्चों, आपके जनरली फ्यूचर टेंस में जो यूज दिया गया है उसका बिल्कुल अपोजिट हो गया ये। क्या आप इसको लिख सकते हो अपोजिट में? तो किन किन भावों में यूज करते हैं, यदि नंबर एक बात, यदि प्रॉमिस की बात की जाए, नंबर दो ऑफर की बात की जाए, नंबर तीन डिटर्मिनेशन की बात की जाए, चार नंबर थ्रेट या वार्निंग की बात की जाए, फिर पांच नंबर सजेशन की बात की जाए। ओके, तो देखो प्रॉमिस, इसका हिंदी वर्ड लिख लें आप, प्रॉमिस का मतलब होता है वायदा, ऑफर का मतलब होता है प्रस्ताव, डिटर्मिनेशन की बात करें तो डिटर्मिनेशन का मतलब होता है दृढ़ निश्चय, पक्का इरादा, और थ्रेट का मतलब होता है धमकी या चेतावनी। ये देखा आपने। इसके बाद अपन बात करेंगे सजेशन, सुझाव। तो देखिए, यदि दिए गए वाक्य में प्रॉमिस है, ऑफर है, डिटर्मिनेशन है, थ्रेट है, सजेशन का भाव व्यक्त होता है, तो बच्चों हमें क्या करना है, आई वी मॉडल के साथ आप विल का यूज करेंगे और अदर सब्जेक्ट के साथ सेल का यूज करेंगे। आपको इसमें कैसे पता चलेगा, आपको देखो सेंटेंस समझना होगा, मैं इनके सबके एग्जाम्पल्स आपको लिखा देता हूं, उसके बाद ये क्लियर हो जाएगा। तो देखो, यदि हम हिंदी में बात करें, प्रॉमिस का मतलब होता है वायदा। आपसे कोई व्यक्ति किसी प्रकार का कोई प्रॉमिस करता है, जैसे हिंदी में यदि हम बात करें कि कल मैं जयपुर जाऊंगा, तो आई विल गो टू जयपुर टुमारो, आई के साथ में हमने विल का यूज किया ना, तो जयपुर जाने का मैंने प्रॉमिस किया है। जैसे मैं ये कहूँ आई विल गिव यू ए ग्रेट गिफ्ट ऑन योर बर्थडे पार्टी, कि मैं आपकी जन्मदिन की पार्टी पर एक शानदार प्राइज दूंगा, ये मेरा प्रॉमिस है, समझ गए। नेक्स्ट, ऑफर की बात करें, प्रस्ताव की बात करें, जैसे मैं ये कहूँ कि जैसे मैं प्रस्ताव, यदि किसी चीज का प्रस्ताव हिंदी में यदि हम बात करें कि आप चाय ले लोगे या कॉफी, आप जो भी पसंद करना चाहे, तो ये प्रस्ताव की बात करेंगे। फिर यदि हम डिटर्मिनेशन की बात करें, दृढ़ निश्चय की बात करें, पक्का इरादा, कि जैसे ये कहा जाए कि रवि विल गेट 90% मार्क्स इन द बोर्ड एग्जाम दिस ईयर, कि रवि है इस साल बोर्ड के एग्जाम में 90% अंक प्राप्त करके रहेगा, ये पक्का इरादा है उसका। या ये मैं ये कहूँ कि आई विल गेट फर्स्ट पोजिशन इन द इन इंडिया इन इन आईआईटी एग्जाम्स, तो मैं आईआईटी के एग्जाम में फर्स्ट रैंक प्राप्त करके रहूंगा, ये मेरा पक्का इरादा है। ओके, थ्रेट या वार्निंग की, धमकी की या चेतावनी की बात की जाए, जैसे मैं ये कहूँ आई विल पनिश यू, मैं आपको सजा दूंगा, इफ यू डू मिस्टेक अगेन, यदि आप ये गलती दोबारा करेंगे तो मैं आपको सजा दूंगा, तो आई के साथ विल का यूज कर रहा हूं ना। ऐसे सजेशन, सुझाव की बात की जाए, तो यू सेल वर्क हार्ड, आपको कठिन मेहनत करनी चाहिए टू गेट टू पास द एग्जाम, परीक्षा को पास करने के लिए, आगे समझ में। तो ये सुझाव की बात है। तो ये बच्चों हम एक एक का इसका एग्जाम्पल पढ़े ताकि ये आपके लिए क्लियर हो जाए ये चीज। तो देखिए आप इसको पढ़ेंगे पर अच्छे से समझेंगे।
तब ये चीज क्लियर हो जाएगी आपकी। देखो ये समझ में आ गया होगा बच्चों, आपको क्या करना है, हर मॉडल्स का आप सिंबल्स जो वर्ड दिए हुए हैं प्रतीक के रूप में, उन शब्दों को आप तैयार करेंगे, समझ गए। वो जो मॉडल सूचक शब्द दिए गए हैं उन शब्दों को आप अच्छे से तैयार कर लेंगे, ध्यान रहे, ताकि हम मॉडल्स का यूज एग्जाम में अच्छे से कर पाए। जैसे हम बात करेंगे बच्चों एग्जाम्पल्स की, बात करें, मैं ये कहूं आई विल गिव यू ए ग्रैंड गिफ्ट ऑन योर बर्थडे पार्टी, ये क्या कह रहे हैं, ऑन योर बर्थडे पार्टी, ये हम प्रॉमिस की बात कर रहे हैं, आगे समझ लें। ऐसे यदि हम दो नंबर की बात करें, जैसे मैं ये कहूं कि रवि सेल गेट 95% मार्क्स इन द बोर्ड एग्जाम दिस ईयर, तो ये लिखा, ये हो गया डिटर्मिनेशन की बात कर रहा है। ये देखिए आप आगे समझ में, जैसे अपन आगे बात करें, यू सेल बी पनिश्ड, ये कह दिया, इफ यू डू दिस मिस्टेकन अगेन, यदि इसकी बात करें तो ये वार्निंग की बात आ गई, आगे समझ में, आई विल शूट यू, आई के साथ में विल का यूज कर रहे हैं, तो देखिए आप समझे, आई विल गिव ए ग्रैंड गिफ्ट ऑन योर बर्थडे पार्टी, कि मैं आपके जन्मदिन की पार्टी पर एक शानदार उपहार दूंगा, ये प्रोमिस की बात कर रहे हैं अपन। तो देखो बच्चों आई के साथ विल का यूज हो रहा ना, ये इसका बिल्कुल अपोजिट हो गया है, समझ गए। आई सेल गेट 90% मार्क्स इन द बोर्ड एग्जाम दिस ईयर, कि ये कह रहा है रवि, कह रहा है रवि सेल गेट 90% मार्क्स इन द बोर्ड एग्जाम दिस ईयर, ये डिटर्मिनेशन की बात कर रहा है कि रवि है वो बोर्ड की परीक्षा में इस साल 95% अंक प्राप्त करके रहेगा, ये उनका पक्का इरादा है, दृढ़ निश्चय है। यू सेल बी पनिश्ड इफ यू डू दिस मिस्टेक अगेन, ये वार्निंग की बात कर रहा बच्चों, ये कह रहा है कि यू के साथ में हम सेल का यूज कर रहे हैं, इट मीन्स ये वार्निंग दे रहा है, चेतावनी दे रहा है कि यू सेल बी पनिश्ड, आपको सजा दी जाएगी, आपको दंडित किया जाएगा इफ यू डू दिस मिस्टेक अगेन, यदि आप ये गलती दोबारा करते हो, आगे समझ में, ओके। ये हो गया आपका बिल और सेल का यूज, आपने दोनों एक साथ में पढ़ा है, समझ में आ गया होगा बच्चों, मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए इसमें। ये एग्जाम्पल्स आप साथ-साथ लिखते जाए, अपनी कॉपी में मेंशन करते जाए, और प्रॉब्लम जहां आ रही है वहां मुझे कमेंट करके आप मुझे बताएं, कि या कोई भी स्पेलिंग में आपको कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो आप कमेंट करके लिखें, और यदि किसी सेंटेंस में आपको प्रॉब्लम आ रही हो तो मुझे कमेंट करके बताएंगे आप, आगे समझे। तो देखिए ये आपका जो मॉडल्स टॉपिक चल रहा है, देखो बच्चों समझ में आ रहा होगा, मैंने आपको पहले कहा था कि कोई भी टॉपिक आप यदि सेंस के हिसाब से उसे समझेंगे तो देखो करेक्टली आपको ये क्या करना पड़ेगा, इनको इजी वे से समझने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कि हमें मॉडल्स जो सेंटेंस दिया गया है उसका हमें सेंस पढ़ना पड़ेगा, नंबर एक बात। दूसरी बात, आपको जो मॉडल वर्ड इंडिकेट करने वाले हैं, जो वर्ड बताए जा रहे हैं, उन वर्ड शब्द जो दिए गए हैं उनको आप अच्छे से तैयार कर लेंगे, तभी अपन मॉडल का सही तरीके से यूज कर पाएंगे, समझ रहे हो। और इसके जो रूल्स आपको लिखाए जा रहे हैं, रूल्स भी आप फॉलो करें, याद करें, तो आपके लिए अच्छे से आप इनका यूज कर पाओगे बोर्ड के एग्जाम में।
तो बच्चों मैं आपको कह रहा हूँ, जो भी आप वीडियो एक बार समझ में नहीं आए, आप उसको सेकंड टाइम देंगे, थर्ड टाइम देंगे, समझने की कोशिश करें, रजिस्टर में आप मेंशन करते चले। यदि फिर भी कोई प्रॉब्लम आ रही है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। ओके बच्चों, हम कल नेक्स्ट वीडियो में अपन नेक्स्ट मॉडल की बात करेंगे। थैंक्स।